फिर दूसरा हमने देखा कि टीजीएफ बीटा का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है मैनी ट्यूमर्स में म्यूटेशंस की वजह से उनके रिसेप्टर्स में, कोलन में जैसे होता है इस तरह स्टमक में और एंडोमेट्रियम में, या फिर म्यूटेशनल इनएक्टिवेशन हो जाती है स्मैड जीन्स की जो ट्रांसड्यूस करते हैं टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग को पैनक्रियास में। ई कडेरिन हमने देखा वो मेंटेन करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को जो कि लॉस्ट हो जाती है मैलिग्नेंट सेल्स में। एपीसी जीन हमने कहा कि एंटी प्रोलिफरेटिव एग्जर्ट करता है एक्शन बाय रेगुलेटिंग द डिस्ट्रक्शन करता है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बी कैटेनिन की, इसकी डिस्ट्रक्शन विथ अ लॉस ऑफ द एपीसी तो बी कैटेनिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ट्रांसलोकेट हो जाएगा टू द न्यूक्लियस की तरफ और ग्रोथ प्रोमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन की तरह एक्ट करेगा, ग्रोथ प्रोमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम इनहेरिटेंस जर्म लाइन म्यूटेशन की इन द एपीसी जीन एंड द स्पोरेडिक लॉस ऑफ द सोल नॉर्मल अलील कॉज कराएगा डेवलपमेंट 100 ऑफ द कॉलोनिक पॉलिप का एट द यंग एज। इनएविटेबली वन या फिर मोर ऑफ दीज पॉलिप्स जो है इवॉल्व करते हैं इनटू अ कॉलोनिक कैंसर। सोमेटिक लॉस दोनों एलील्स का ऑफ द एपीसी जीन इज सीन अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द स्पोरेडिक कॉलन कैंसर में। अब हम तीसरा देखेंगे हॉलमार्क ऑफ द कैंसर जो कि तीसरा फंडामेंटल चेंज होता है सेल फिजियोलॉजी में जो कि हॉलमार्क ऑफ द कैंसर होता है जो कि है एल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एम्पल ऑक्सीजन कैंसर सेल्स जो होते हैं ना वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो कैरेक्टराइज करती है बाय हाई लेवल ग्लूकोज का अपटेक और ज़्यादा कन्वर्जन ग्लूकोज की लैक्टोज के अंदर यानी फर्मेंटेशन विया द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ये फिनोमिना वारबर्ग इफेक्ट कहलाता है, वारबर्ग इफेक्ट, और इसको एरोबिक ग्लाइकोलिसिस भी कहा जाता है और ये रिकॉग्नाइज हुआ है फॉर मेनी ईयर्स। इंडीड ओटो वारबर्ग रिसीव द नोबल प्राइज इन 1931 फॉर इट्स डिस्कवरी। क्लिनिकली ग्लूकोज हंगर ऑफ द ट्यूमर इज यूज टू विजुअलाइज द ट्यूमर्स विया पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पैट स्कैनिंग जिसमें पेशेंट इंजेक्ट किए जाते हैं विद द 18F फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज। ये याद रखिएगा 18F फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज डेरीवेटिव होता है जो कि प्रेफरेंशियली टेकन अप होता है बाय द ट्यूमर सेल्स एज वेल एज नॉर्मल एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज से जैसे कि बोन मैरो से। मोस्ट ट्यूमर्स जो है ना पैट पॉजिटिव होते हैं और रैपिडली ग्रोइंग वंस जो है मार्क्ड हो जाते हैं। वारबर्ग डिस्कवरी लार्जली नेग्लेक्ट कर गई फॉर मेनी ईयर्स लेकिन ओवर द पास्ट डिकेड मेटाबॉलिज्म हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एरिया ऑफ द कैंसर रिसर्च। मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कि सिग्नलिंग पाथवे नॉर्मल सेल्स में और कैंसर सेल्स में स्टिल बीइंग एलुसिडेटेड एंड डिटेल्स कॉम्प्लेक्स है लेकिन हार्ट ऑफ द वारबर्ग इफेक्ट लाए करती है सिंपल क्वेश्चन पे जो कि व्हाई इट इज़ एडवांटेजेस फॉर अ कैंसर सेल टू रिलाई ऑन सीमिंगली इनएफिशिएंट ग्लाइकोलिसिस जो जनरेट करती है दो मॉलिक्यूल एटीपी के पर मॉलिक्यूल ग्लूकोज पे इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो जनरेट करती है 36 मॉलिक्यूल एटीपी के पर मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। वाइल पॉन्डरिंग दिस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज के रैपिडली जो प्रोलिफरेटिंग नॉर्मल सेल्स हैं जैसे कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू में और लिम्फोसाइट्स ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान ये रिलाई करते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन पे। थस वारबर्ग मेटाबॉलिज्म इज नॉट कैंसर स्पेसिफिक लेकिन इंस्टेड ये एक जनरल प्रॉपर्टी है ग्रोइंग सेल्स की जो फिक्स्ड हो जाती है कैंसर सेल्स में। आंसर इस रिडल का सिंपल है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड करती है रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स को मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो कि चाहिए होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स जबकि माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं देती ना तो ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट देती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट जबकि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस देती है। रीज़न ग्रोइंग सेल्स की के लाए करते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पे वो रेडिली अपेरेंट हो जाती है जब एक कंसीडर करता है कि ग्रोइंग सेल को स्ट्रिक्ट बायोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट चाहिए। इट मस्ट डुप्लीकेट ऑल ऑफ इट्स सेलुलर कंपोनेंट डीएनए को आरएनए को प्रोटीन्स को अपने लिपिड्स को अपने ऑर्गेनल्स को बिफोर के वो डिवाइड करे और प्रोड्यूस करे अपने दो डॉटर सेल्स। वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यील्ड करती है एबंडेंट एटीपी ये फेल करती है टू प्रोड्यूस एनी कार्बन मोइटीज बनाती ही नहीं है जो कि चाहिए होती हैं टू बिल्ड द सेलुलर कंपोनेंट जो कि ग्रोथ के लिए हमें चाहिए जैसे प्रोटीन्स लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जो कार्बन मोइटी चाहिए। इवन सेल्स एक्टिवली ग्रो नहीं कर रहे एक्टिवली ग्रो मस्ट शंट सम मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट अवे फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर नीडेड फॉर द सेलुलर मेंटेनेंस।
बाय कॉन्ट्रास्ट एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स में सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन सेलुलर ग्लूकोज का शंट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाथवे सच दैट ऑन एवरेज मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज मेटाबोलाइज प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 4 मॉलिक्यूल एटीपी के। प्रेजुमेबली ये बैलेंस हैवली बायस्ड है टूवर्ड एरोबिक फर्मेंटेशन विथ अ बिट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हिट्स अ मेटाबॉलिक स्वीप स्पॉट दैट इज ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ। ये फॉलो करता है कि ग्रोइंग सेल्स जो है ना वो रिलाई करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म पे, जबकि मेजर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का इन द ग्रोइंग सेल नहीं है कि टू जनरेट द एटीपी, लेकिन रादर टू कैरी आउट द रिएक्शंस जो जनरेट करें मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो कि शंट ऑफ हो और यूज हो एज अ प्रीकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिपिड बायोसिंथेसिस रिक्वायर करती है एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए ज़्यादातर लार्जली सिंथेसाइज होता है ग्रोइंग सेल्स में फ्रॉम द इंटरमीडिएट्स जैसे कि सिट्रेट से जो कि बनता ही माइटोकॉन्ड्रिया में है। सो हाउ दिस प्रोफाउंड रीप्रोग्रामिंग मेटाबॉलिज्म की द वारबर्ग इफेक्ट ट्रिगर्ड इन ग्रोइंग नॉर्मल एंड मेलिग्नेंट सेल्स। एज माइट बी गेस्ड मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग प्रोड्यूस होती है बाय सिग्नलिंग कास्केड्स डाउन स्ट्रीम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स द वेरी सेम पाथवे दैट आर डी रेगुलेटेड बाय म्यूटेशंस इन द ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इन कैंसर्स। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है तो फिर ये कैसे ये प्रोफाउंड रीप्रोग्रामिंग मेटाबॉलिज्म जो वारबर्ग इफेक्ट है ये ट्रिगर करता है इन ग्रोइंग द नॉर्मल एंड मेलिग्नेंट सेल्स। तो हम कहते हैं कि एज माइट बी गेस्ड द मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग जो है ना वो प्रोड्यूस होती है सिग्नलिंग कास्केड से डाउन स्ट्रीम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर डाउन स्ट्रीम। ये वेरी सेम पाथवे है जो कि डीरेगुलेट हो जाता है म्यूटेशंस में इन द ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन कैंसर्स में। थस वेयरएज इन रैपिडली डिवाइडिंग नॉर्मल सेल्स में एरोबिक ग्लाइकोलिसिस सीज कर जाती है जब टिश्यू को ग्रो नहीं कर रहा नो लॉन्गर, इन कैंसर सेल्स ये रीप्रोग्रामिंग परसिस्ट करती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ऑन्कोजीन्स की वजह से एंड द लॉस ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन की वजह से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रॉस टॉक के बिटवीन द प्रो ग्रोथ सिग्नल फैक्टर्स एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म आर शोन इन द फिगर 6.28-23 और इंक्लूड करते हैं फॉलोइंग। फिगर हम बाद में देखेंगे, उसमें दिखाया गया है कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग सबसे पहले है। इन एडिशन ट्रांसमिटिंग द ग्रोथ के सिग्नल न्यूक्लियस की तरफ सिग्नल फ्रॉम द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं मेटाबॉलिज्म को बाय अपरेगुलेट करते हैं ग्लूकोज का अपटेक और इनहिबिट कर देते हैं एक्टिविटी पाइरूवेट काइनेज की जो कैटेलाइज करता है लास्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। तो उसको इनहिबिट करता है कन्वर्जन फॉस्फोइनोल पाइरूवेट की टू द पाइरूवेट इसमें होती है तो इसको इनहिबिट करता है। ये क्रिएट कर देगा डैमिंग इफेक्ट इन दैट जो लीड करेगा बिल्डअप अपस्ट्रीम ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट का जो सिफोन ऑफ हो जाएंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म है रास सिग्नलिंग का। देखें जो सिग्नल डाउन स्ट्रीम्स रास अप रेगुलेट के द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एंड मल्टीपल ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम थस इंक्रीजिंग द ग्लाइकोलाइसिस प्रोमोट शंटिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमीडिएट टू द पाथवे लीडिंग टू द लिपिड बायोसिंथेसिस एंड स्टिमुलेट द फैक्टर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर MYC से जैसे हमने पहले देखा प्रो ग्रोथ पाथवे जो है वो अप रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर MYC जो ड्राइव करता है चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन जो सपोर्ट करता है एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म को और सेल ग्रोथ को। अमंग द MYC रेगुलेटेड जीन आर दोज फॉर द सेवरल ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स एंड ग्लूटामिनेज जो कि चाहिए होता है फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूटामीन जो की सोर्स है कार्बन मोइटीज का नीडेड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। फ्लिप साइड कोइन की ये है कि ट्यूमर सप्रेसर जो है वो ऑफन इनहिबिट कर देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को जो कि ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं उन पाथवेज को। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ब्रेकिंग इफेक्ट ट्यूमर सप्रेसर्स का NF1 का न्यूरोफाइब्रोमा का और PTEN का ऑन द सिग्नल डाउन स्ट्रीम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और रास का भी हमने देखा allowing them to oppose the Warburg effect. ये oppose करते हैं Warburg effect को. Indeed, it may be that many and perhaps सारे जो ट्यूमर सप्रेसर हैं वो induce करते हैं ग्रोथ अरेस्ट को सप्रेस करते हैं Warburg effect को. For example, जैसे P53 है अब यह arguably most important ट्यूमर सप्रेसर है अपरेगुलेट करता है टारगेट जीन्स को जो कलेक्टिवली इनहिबिट कर देते हैं ग्लूकोज का अपटेक उन तरह के जीन्स को अपरेगुलेट करता है जो ग्लूकोज के अपटेक को ही इनहिबिट कर दें
ग्लाइकोलाइसिस को भी और लाइपोजेनेसिस को भी इनहिबिट करें, एंड द जनरेशन ऑफ द एनएडीपीएच जो कि की फैक्टर होता है नीडेड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल उसको भी। थस इट इज़ इंक्रीजिंगली क्लियर कि फंक्शंस मेनी ऑफ द ऑनको प्रोटीन्स का एंटीट्यूमर सप्रेसर्स का इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइन होता है विद द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। बियॉन्ड द वारबर्ग इफेक्ट देर आर टू अदर लिंक बिटवीन द मेटाबॉलिज्म के एंड कैंसर के दैट आर ऑफ सफिशेंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट ब्रीफ मेंशन। ऑटोफेगी एंड अनयूजुअल सेट ऑफ ऑन्कोजेनिक म्यूटेशंस दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ ऑन्को मेटाबोलाइट जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं टू अपीयर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट। ऑटोफेगी पढ़ेंगे, ऑटोफेगी एक स्टेट होती है सीवियर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की जिसमें सेल्स ना के सिर्फ अरेस्ट कर जाते हैं इन अरेस्ट करते हैं अपनी ग्रोथ को लेकिन आल्सो कैनिबलाइज करते हैं अपने ही ऑर्गेनल्स को प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन्स को एज अ कार्बन सोर्स फॉर द एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। अगर ये अडाप्टेशन फेल हो जाती है तो सेल डाई कर जाएगा। ट्यूमर सेल्स देखे गए हैं टू बी एबल टू ग्रो अंडर द मार्जिनल इन्वायरमेंटल कंडीशन विदाउट ट्रिगरिंग द ऑटोफेगी। सजेस्ट करते हैं कि पाथवे जो इंड्यूस कराते हैं ऑटोफेगी वो डी रेंज हो जाते हैं। इन कीपिंग विद दिस सेवरल जीन जो प्रमोट करते हैं ऑटोफेगी को वो है ट्यूमर सप्रेसर्स, जबकि ऑटोफेगी ऑलवेज बैड है फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ द ट्यूमर, हाउएवर रिमेन अ मैटर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड डिबेट। फॉर एग्जाम्पल अंडर कंडीशन ऑफ सिवियर न्यूट्रिएंट की डिप्राइवेशन ट्यूमर सेल्स यूज़ करेंगे ऑटोफेगी को टू बिकम डोरमेंट जो स्टेट होती है मेटाबॉलिक हाइबरनेशन की जो अलाउ करती है सेल्स को कि वो सर्वाइव करें हार्ड टाइम्स को फॉर द लॉन्ग पीरियड्स। इस तरह के सेल्स बिलीव हैं टू बी रेजिस्टेंट टू द थेरेपीज जो किल करें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को, एंड इसीलिए ये देयरफॉर कुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेप्यूटिक फेलियर की तरफ। थस ऑटोफेजी जो है वो ट्यूमर का दोस्त भी हो सकती है या दुश्मन भी, डिपेंड करता है कैसे सिग्नलिंग पाथवे जो रेगुलेट करते हैं वो वायर्ड हैं इन अ गिवन ट्यूमर। ऑन्को मेटाबॉलिज्म क्या है? अनदर सरप्राइजिंग ग्रुप ऑफ जेनेटिक अल्टरेशन डिस्कवर्ड थ्रू द ट्यूमर जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज आर म्यूटेशन इन द एंजाइम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं क्रेब्स साइकिल्स में। अब इनमें जो है म्यूटेशन होती है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज में जिसको गार्नर है द मोस्ट इंटरेस्ट एज दे हैव रिवील्ड द न्यू मैकेनिज्म ऑफ ऑन्कोजेनेसिस टर्न ऑन्को मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये ऑन्को मेटाबॉलिज्म करवाता है। द प्रपोज्ड स्टेप्स इन द ऑन्कोजेनिक पाथवे इन्वॉल्विंग द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज वो फॉलोइंग। देखिए आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज ना एक्वायर करता है म्यूटेशन जो लीड करती है टू अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, इन्वॉल्व करता है रेजिड्यू ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एज अ रिजल्ट जो म्यूटेटेड प्रोटीन है वो लूज करेगी उसको इसकी एबिलिटी टू फंक्शन एज एन आइसोसिटेड डीहाइड्रोजिनेज और इंस्टेड एक्वायर करेगी नया एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो कैटलाइज करता है प्रोडक्शन 2-hydroxyglutarate की। अब ये 2-hydroxyglutarate है ना ये इंटरनेक्ट करता है इनहिबिटर की तरह ऑफ सेवरल अदर एंजाइम्स जो मेंबर होते हैं TET टेट फैमिली के, उसमें टेट 2 भी आ जाता है। टेट 2 जो है अब ये सेवरल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जो कि DNA मिथाइलेशन को रेगुलेट करता है जो हम रिकॉल कहें एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में होती है दैट कंट्रोल द नॉर्मल जीन के एक्सप्रेशन को एंड ऑफन एवरी हो जाती है इन कैंसर। अकॉर्डिंग टू द मॉडल लॉस टेट 2 की एक्टिविटी का लीड करेगा एबनॉर्मल पैटर्न DNA मिथाइलेशन का। अब एबनॉर्मल DNA की मिथाइलेशन इन टर्न लीड करेगी मिस एक्सप्रेशन करंटली नोन अननोन कैंसर जीन्स का जो ड्राइव करेगी सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑन्कोजेनेसिस। थस अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो म्यूटेटेड जो आइसोसिटेड डीहाइड्रोजिनेज है वो एक्ट करता है एज एन ऑन्को प्रोटीन बाय प्रोड्यूसिंग 2-HG विच इज़ कंसीडर्ड अ प्रोटोटिपिकल ऑन्को मेटाबोलाइट। ऑन्कोजेनिक आइसोसिटेड डीहाइड्रोजिनेज की म्यूटेशंस हैव नाउ बीन डिस्क्राइब इन अ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ कैंसर्स इंक्लूडिंग द साइजेबल फ्रैक्शन ऑफ द कोलेंजियोकार्सिनोमास ग्लायोमास में acute myeloid leukemias में and sarcomas में। of the clinical significance because mutated isosuited dehydrogenase proteins जो हैं उनको altered structure होता है, यह possible है कि to develop the drugs जो कि inhibit करें mutated isosuited dehydrogenase को ना कि normal IDH enzyme को। तो ये drugs अब test की जा रही हैं cancer patients में और produce कर रही हैं encouraging therapeutic response। ये developing story remarkable example है कि कैसे detailed understanding oncogenic mechanism की yield करती है entirely नए तरह के anti-cancer drugs। figure भी देख लेते हैं associated dehydrogenase mutation आ गई तो MIDH बन गया mutant IDH
उसने अल्फा कीटो ग्लूटारेट को कन्वर्ट कर दिया टू हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट में, जो कि एक ऑनको मेटाबोलाइट है। अब ये एपिजिनोम रेगुलेटरी इंसाइम्स में अफेक्ट करेगा, एपिजेनेटिक चेंजेस होंगे डीएनए मिथाइलेशन में और हिस्टोन मॉडिफिकेशन में, अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन होगा और सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो मतलब इस फिगर में प्रपोज एक्शन ऑनको मेटाबोलाइट टू हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट का दिखाया गया है इन द कैंसर सेल विद द म्यूटेटेड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की वजह से। अब ये फिगर देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है, मेटाबोलिज्म सेल ग्रोथ का, मेटाबॉलिज्म एंड सेल ग्रोथ। क्वियसेंट सेल्स जो है ना वो मेनली रिलाय करते हैं, ये है क्वियसेंट सेल, ये रिलाय करते हैं मेनली क्रैब साइकिल पे फॉर द एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। अगर ये स्टार्व हो जाते हैं तो ऑटोफेगी यानी सेल्फ ईटिंग इंड्यूस हो जाती है टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फ्यूल। जब स्टिमुलेट होते हैं किसी ग्रोथ फैक्टर से तो नॉर्मल सेल्स मार्कली अप रेगुलेट कर देते हैं ग्लूकोज का और ग्लूटामीन का अपटेक, जो प्रोवाइड करता है कार्बन स्केलेटल सोर्सेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये सब बनाने के लिए। कैंसर्स में ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन जो इन्वॉल्व करती हैं ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे को एंड अदर की फैक्टर जैसे कि MYC डीरेगुलेट कर देते हैं इन मेटाबोलिक पाथवेज को और एल्ट्रेशन नोन एज द वारबर्ग इफेक्ट। ये है क्वियसेंट सेल, इनके ग्लूकोज है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ऑटोफेगी हो जाती है और लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म हो जाता है, लाइसोसोम है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज फैक्टर ये भी है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है और इन्होंने जाके ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स बढ़ाया, लैक्टेट बना, माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म, ग्लूटामीन यूटिलाइजेशन बढ़ी और इन सबसे लाइपोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड सिंथेसिस और ग्रोथ हुई। समरी देख लेते हैं, हमने देखी है अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, वारबर्ग मेटाबॉलिज्म फॉर्म है प्रो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म की जो फेवर करती है ग्लाइकोलाइसिस को ओवर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये इंड्यूस होती है नॉर्मल सेल्स में बाय द एक्सपोजर टू द ग्रोथ फैक्टर और ये फिक्स हो जाती है कैंसर सेल्स में ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सर्टेन ड्राइवर म्यूटेशंस की वजह से। हमने देखा कि मैनी ऑनको प्रोटीन रास MYC म्यूटेटेड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इंड्यूस कराती हैं कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं वारबर्ग मेटाबॉलिज्म एंड मैनी ट्यूमर सप्रेसर PTEN, NF1 एंड TF3 उसको अपोज करती हैं। फिर हमने देखा स्ट्रेस जो है इंड्यूस कर देता है सेल्स में को टू कंज्यूम देयर कंपोनेंट्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेगी। कैंसर सेल्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं म्यूटेशंस को टू अवॉइड द ऑटोफेगी या फिर ये करप्ट कर सकते हैं प्रोसेस को टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड सर्वाइवल। कुछ ऑनको प्रोटीन्स हमने कहा कि जिससे आइसोसेटेड डीहाइड्रोजनेज एक्ट करती हैं कॉजिंग द फॉर्मेशन हाई लेवल ऑनको मेटाबोलाइट्स का जो अल्टर करेंगे एपिजिनोम को, देयर बाय लीड करेंगे चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन जो कि ऑनकोजेनिक होते हैं, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट हॉलमार्क ऑफ द कैंसर हम करेंगे चौथा, जो कि है इवेजन ऑफ द अपोप्टोसिस या फिर इवेजन ऑफ द सेल डेथ। ट्यूमर सेल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन करते हैं म्यूटेशंस उन जीन्स में जो कि एपोप्टोसिस को रेगुलेट करवाते हैं, तो ये बना देगा सेल्स को रेजिस्टेंट टू द सेल डेथ। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा, अपोप्टोसिस या फिर रेगुलेटेड सेल डेथ रेफर करती है ऑर्डरली डिसमेंटलिंग सेल्स की इनटू द कंपोनेंट पीसेस के अंदर, जो फिर एफिशिएंटली कंज्यूम हो जाते हैं नेबरिंग सेल्स से या फिर प्रोफेशनल फैगोसाइट से विदाउट स्टिमुलेटिंग द इन्फ्लामेशन। हम रिकॉल करेंगे कि देयर आर टू पाथवेज जो एपोप्टोसिस की तरफ लीड करते हैं, एक एक्सट्रिंसिक जो कि ट्रिगर होता है डेथ रिसेप्टर्स से फास एंड फास लाइगेंड, और दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे जो कि कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जो इनिशिएट होता है परट्यूबरेशन से जैसे कि लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, DNA का डैमेज। कैंसर सेल सब्जेक्ट होते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक स्ट्रेस से जो कि इनिशिएट करवा सकते हैं एपोप्टोसिस, पार्टिकुलरली DNA डैमेज की वजह से, लेकिन आल्सो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस स्टेम करती हैं फ्रॉम द डिसरेगुलेटेड ग्रोथ एज वेल एज हाइपोक्सिया जो कि कॉज होती है बाय इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। ये स्ट्रेसेस जो है इन्हेंस करते हैं मैनीफोल्ड जब ट्यूमर ट्रीट किए जाएँ विद द कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी जो किल करे ट्यूमर सेल्स को बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। थस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव प्रेशर बोथ बिफोर एंड ड्यूरिंग द थेरेपी फॉर द कैंसर सेल टू डेवलप रेजिस्टेंस टू द इंट्रिंसिक स्ट्रेस दैट मे इंड्यूस एपोप्टोसिस। अकॉर्डिंगली इवेजन एपोप्टोसिस की बाय द कैंसर सेल होती है बाय वे ऑफ एक्वायर्ड म्यूटेशंस एंड चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन दैट डिसेबल की कंपोनेंट ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे, या फिर रीसेट कर देता है बैलेंस रेगुलेटरी फैक्टर्स का सो एज टू फेवर द सेल सर्वाइवल इन द फेस ऑफ इंट्रिंसिक स्ट्रेसेस। फिगर में देखें तो बताया गया कि बिफोर डेलविंग इन टू द मोड ऑफ रेजिस्टेंस टू द एपोप्टोसिस, अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे इज इन ऑर्डर।
एक्टिवेशन इस पाथवे की लीड करेगी परमिएबलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन की और रिलीज करेगी मॉलिक्यूल जैसे कि साइटोक्रोम सी को जो इनिशिएट करवाएगा अपोप्टोसिस। इंटेग्रिटी माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन की डिटरमाइन होती है बाय डेलिकेट बैलेंसिंग बिटवीन द प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक मेंबर्स ऑफ द BCL2 प्रोटीन फैमिली। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जैसे कि बैक्स एंड बैक चाहिए होते हैं एपोप्टोसिस के लिए और ये डायरेक्टली प्रमोट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबलाइजेशन को। इनका एक्शन इनहिबिट हो जाता है बाय एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स इस फैमिली के जो कि एक्सेम्प्लीफाई होते हैं बाय BCL2 एंड BCLXL एंड MCL1। थर्ड सेट ऑफ प्रोटीन्स सो कॉल्ड BH3 ओनली प्रोटीन्स जिसमें बैड बिड और पूमा आ जाते हैं ये शिफ्ट कर देते हैं बैलेंस को बिटवीन द प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक फैमिली मेंबर्स बाय न्यूट्रलाइजिंग द एक्शन ऑफ द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स लाइक BCL2 एंड BCLXL देयर बाय प्रमोटिंग द एपोप्टोसिस प्रमोट करेंगे। जब सम टोटल ऑफ ऑल BH3 ओनली प्रोटीन्स का ओवरवेम कर देता है प्रोटेक्टिव BCL2 BCLXL फैक्टर्स को तो बैक्स और जो बैक हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब ये ओवरवेम कर देता है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे बैक्स और बैक और बनाएंगे पोर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये अलो करेगा माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम सी को कि वो जो है लीक आउट कर जाए साइटोसोल में और जाके बाइंड कर जाए APAF1 के साथ और capsase 9 को एक्टिवेट कर दे जो कि इंटर्न क्लीव करे और एक्टिवेट करे एग्जीक्यूशनर capsase इसको जैसे capsase 3 को। अनदर ग्रुप ऑफ द फैक्टर जो फंक्शन करते हैं नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे की तरह वो हैं इनहिबिटर्स ऑफ द एपोप्टोसिस IAPs जो बाइंड करते हैं capsase 9 के साथ और प्रीवेंट करते हैं अपोप्टोसिस को प्रीवेंट। विद इन दिस फ्रेमवर्क ये पॉसिबल है टू इलस्ट्रेट द मेजर मैकेनिज्म जिसके ज़रिए एपोप्टोसिस जो है इवेड करती है बाय कैंसर सेल्स। ये मेनली इन्वॉल्व करती है लॉस P53 का जो की कंपोनेंट होता है अर्ली स्टेप्स इन द इंट्रिंसिक पाथवे में एंड इंक्रीज एक्सप्रेशन एंटी एपोप्टोटिक मेंबर्स ऑफ द BCL2 फैमिली का। तो इनका ज़्यादा इंक्रीज एक्सप्रेशन और P53 का लॉस। सबसे पहले देखें लॉस TP53 का फंक्शन। लॉस TP53 के फंक्शन का देखें तो एज ऑलरेडी डिस्कस TP53 कॉमनली म्यूटेटेड होता है कैंसर्स में एट द डायग्नोसिस पे और फ्रीक्वेंसी TP53 म्यूटेशन की ज़्यादा है इन द ट्यूमर जो रिलैप्स करते हैं आफ्टर थेरेपी। इन एडिशन टू द म्यूटेशन ऑफ द TP53 अदर लेजन कैंसर की ना इम्पेयर करती हैं P53 के फंक्शन को इनडायरेक्टली मोस्ट नोटेबली एम्पलीफिकेशन MDM2 के जरिए जो इनकोड करता है इनहिबिटर ऑफ द P53 को जो हम देख चुके हैं। लॉस P53 फंक्शन का प्रिवेंट करेगा अप रेगुलेशन प्यूमा की नहीं होने देगा यानी प्रिवेंट करेगा नहीं होने देगा और प्रो एपोप्टोटिक BH3 ओनली मेंबर ऑफ द BCL2 फैमिली को जो कि डायरेक्ट होता है अगेंस्ट द P53 जिसके नतीजे में सेल सर्वाइव करेगा सेल सर्वाइव लेवल ऑफ द DNA डैमेज उसको सर्वाइव करेगा और सेल स्ट्रेस को भी दैट ओवरवाइज अदरवाइज वुड रिजल्ट इन देयर डेथ तो इनकी वजह से ये जिंदा रहेगा। दूसरा होता है ओवर एक्सप्रेशन एंटी एपोप्टोटिक मेंबर ऑफ द BCL2 फैमिली का। इनका ओवर एक्सप्रेशन BCL2 का ओवर एक्सप्रेशन कॉमन इवेंट होता है लीडिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्यूमर सेल्स फ्रॉम एपोप्टोसिस और ये होता है थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। एक बेस्ट अंडरस्टूड एग्जांपल है फाउंड इन द फॉलिकुलर लिम्फोमा बी सेल ट्यूमर कैरिंग अ कैरेक्टरिस्टिक 14:18 Q32Q21 ट्रांसलोकेशन जो फ्यूज करता है BCL2 को लोकेटेड एट 18Q21 टू ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन के साथ लोकेटेड एट 14Q32 रिजल्टिंग ओवर अबंडेंस BCL2 प्रोटेक्ट करती है लिम्फोसाइट को फ्रॉम अपोप्टोसिस और अलो करती है उनका सर्वाइवल फॉर एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड्स और प्रोड्यूस करती है स्टेडी एक्यूमुलेशन बी लिम्फोसाइट्स की जो रिजल्ट करेगी लिम्फेडिनोपैथी में क्योंकि BCL2 ओवर एक्सप्रेसिंग फॉलिकुलर लिम्फोमा अराइज करते हैं लार्ज पार्ट में थ्रू रिड्यूस्ड सेल डेथ रादर देन द एक्सप्लोजिव सेल प्रोलिफरेशन दे टेंड टू बी इंडोलेंट स्लो ग्रोइंग। अदर ट्यूमर्स में जैसे कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में यह अपीयर होता है कि BCL2 अपरेगुलेट हो जाता है क्योंकि लॉस हो जाता है एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक माइक्रो RNAs का जो नॉर्मली BCL2 के एक्सप्रेशन को डैम्पन करते हैं। मैनी अदर मैकेनिज्म लीड करते हैं ओवर एक्सप्रेशन एंटी एपोप्टोटिक मेंबर BCL2 फैमिली को जो कि डिस्क्राइब हुए हैं पार्टिकुलरली इन द सेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस टू द कीमोथेरेपी। फॉर एग्जांपल एम्पलीफिकेशन MCL1 जीन की देखी गई है
इन अ सबसेट ऑफ द लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। रिकॉग्निशन मैकेनिज्म की जिनसे कैंसर इवेड करता है सेल डेथ को हैज स्टिमुलेटेड सेवरल लाइन ऑफ टारगेट ड्रग डेवलपमेंट। रीस्टोरेशन P53 के फंक्शन की इन द TP53 म्यूटेटेड ट्यूमर डॉन्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि इनहेरेंट डिफिकल्टी है ऑफ फिक्सिंग डिफेक्टिव जीन्स, क्योंकि लेकिन ये पॉसिबल है इन ट्यूमर्स जिनमें P53 इनएक्टिव हो क्योंकि ओवर एक्सप्रेशन उसके इनहिबिटर की MDM2 की उसकी वजह से। इंडीड इनहिबिटर MDM2 के जो रिएक्टिवेट कर देते हैं हमारे P53 को और इंड्यूस करवाते हैं एपोप्टोसिस इन द ट्यूमर्स विद द MDM2 जीन एम्प्लीफिकेशन, जैसे कि सर्टेन टाइप ऑफ सार्कोमा आर बीइंग टेस्टेड इन द क्लिनिकल ट्रायल। इवन मोर प्रोमिसिंग रिजल्ट जनरेट हुए हैं विद द ड्रग्स जो मिमिक करती हैं एक्टिविटीज़ ऑफ BH3 ओनली प्रोटीन्स और इनहिबिट करती हैं फंक्शन ऑफ द एंटी एपोप्टोटिक मेम्बर ऑफ द BCL2 फैमिली, पार्टिकुलरली BCL2। नेक्स्ट हम देखते हैं अब दीज ड्रग्स हैव पोटेंट एक्टिविटी अगेंस्ट द ट्यूमर कैरेक्टराइज बाई BCL2 ओवर एक्सप्रेशन, जैसे कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और ये लाइकली है टू बिकम स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। समरी देखें तो हमने देखा इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस, हमने कहा इवेजन ऑफ द सेल डेथ बाय कैंसर्स मेनली इन्वॉल्व करती है एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज जो इंटरफेयर करती हैं विद द इंट्रिंसिक यानी माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस के साथ, उसके साथ इंटरफेयर करती हैं। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी होती है लॉस ऑफ P53 का फंक्शन, या तो TP53 म्यूटेशन की वजह से या फिर P53 इनहिबिटर MDM2 की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से, इन दोनों की वजह से P53 का फंक्शन लॉस होता है तो अपोप्टोसिस की इवेजन होती है। अदर कैंसर इवेड सेल डेथ बाय ओवर एक्सप्रेसिंग द एंटी अपोप्टोटिक मेंबर्स ऑफ द BCL2 फैमिली को भी, जैसे कि BCL2 XL इन दोनों को एन MCLI को, ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को अगेंस्ट BAX एंड BAK बाग्स एंड बैक जो कि प्रो एपोप्टोटिक मेंबर हैं BCL2 फैमिली के, तो ये एपोप्टोसिस करवाते हैं तो इनके जो है तो इससे प्रोटेक्ट करते हैं BCL2 फैमिली जो है सेल को, इनसे बैक्स एंड बैक से प्रोटेक्ट करती है, तो BCL जो है वो एंटी एपोप्टोटिक हो गए, ये प्रो एपोप्टोटिक। लार्ज मेजोरिटी ऑफ द फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा में, जैसे कि